ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक सेवा कर्मियों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे डाक सेवा कर्मी पिछले 10 दिनों से काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर उतरे डाक सेवक सातवें पे कमीशन को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। डाक सेवा कर्मियों ने मंडी शहर में रैली निकालकर विरोध किया। रैली में सैकड़ों डाक कर्मियों ने भाग लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के मंडलीय सचिव युद्ध कुमार शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी व केंद्र सरकार के पुतले जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का सरकारी डाक सेवक कर्मियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार कोई भी अभी तक इसकी परवाह नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार ने संघ की मांगों का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। युद्ध कुमार शर्मा ने कहा कि गत दिन डाक विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई मगर उसमें कोई हल नहीं निकल पाया। हमारा ये आंदोलन आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन भारत सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी हुई है। अभी तक वो अपने सैर सपाटे से ही उन्हें समय नहीं मिल रहा है जीडीएस यूनियन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। तो ये हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये रिपोर्ट लागू नहीं कर दी जाती। आज 10वां दिन है और मैं मोदी सरकार को सचेत करना चाहता था हूं कि अगर ये स्ट्राइक पूरा महीना भी चलेगी तो हम महीना चलाने के लिए तैयार हैं। एक डाक सचिव हमारे एक महीने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन एक महीने के बाद ही काम होगा। जब रिपोर्ट लागू होगी तो हम एक महीने का समय देते हैं, लेकिन एक महीने के काम ही डाक विभाग का जो काम है वो सुचारू रूप से किया जाएगा और स्ट्राइक को वापस लिया जाएगा। तब तक के लिए स्ट्राइक इसी प्रकार से चलती रहेगी।